हमारे खास प्रोग्राम देश विदेश में। यूपी के सीएम अखिलेश यादव एक बार फिर नोएडा नहीं आए। अखिलेश यादव ने लखनऊ में घर में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ऐसा माना जा रहा था कि सीएम अखिलेश यादव अपने ही प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में आने से डर रहे हैं। दरअसल पहले कहा जा रहा था कि सीएम अखिलेश यादव नोएडा पहुंचकर यहां ग्रेटर नोएडा और नोएडा की कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, लेकिन इस शहर में आते ही सीएम की कुर्सी जाने के टोटके के डर से सीएम ने आने से मना कर दिया और सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ से ही नोएडा व ग्रेटर नोएडा की कई योजनाओं को लोकार्पण का नाम दे दिया। 1985 में सीएम वीर बहादुर सिंह के नोएडा आने के बाद चुनाव हारने के बाद से ऐसा अंधविश्वास है कि यूपी का कोई भी सीएम अगर नोएडा आता है तो चुनाव हार जाता है। ऐसे में भी ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अंधविश्वास के कारण यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नोएडा नहीं आए। मुंबई के मानखुर्द में एक मकान ढह जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुंबई के महाराष्ट्र नगर में एक इमारत ढहने से इसके नीचे कई लोग दब गए। हादसे के बाद जारी बचाव कार्य के दौरान अब तक 3 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी का इंतजार है। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। GST बिल 1 अप्रैल से लागू करने की समय सीमा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सरकार ने बुधवार को इस बारे में एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। GST क्रियान्वयन पर वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि GST को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने की समय सीमा सुनिश्चित करने को अभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। संसद की तरफ से संविधान संशोधन को पारित करने और आधे राज्यों की तरफ से इसे मंजूर किए जाने के बाद इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी GST परिषद ने संभाली है। परिषद ने कर दरें तय करने, राज्यों को मुआवजे तथा छूट सीमा पर प्रमुख फैसले लिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद का कहना है कि अभी तक सभी फैसले बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में सर्वसम्मति से लिए गए हैं। नोटबंदी हुई, लोग परेशान हो गए। ई वॉलेट का विकल्प दिया गया लेकिन पेटीएम की चांदी हो गई। नोटबंदी के बाद पेटीएम की चांदी हो गई है। हर रोज पेटीएम से हजारों लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें छोटे दुकानदार भी शामिल हैं। लेकिन अब ये दुकानदार परेशान हैं। कभी इनके पैसे फंस जा रहे हैं तो कभी सप्लायर पेटीएम से भुगतान लेने से मना कर देता है। हर छोटा दुकानदार खुद तो भुगतान ले लेता है, लेकिन जब वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर को पेटीएम से पेमेंट देना चाहता है तो वो डिजिटल पेमेंट लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में पैसा होने के बावजूद भी दुकानदार खुद को ठगा महसूस कर रहा है। नोटबंदी के बाद रोज लाखों करोड़ों का कैश बरामद हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से एक लॉकर से 10 करोड़ का कैश बरामद हुआ। पुणे में एक बैंक के लॉकर से 2000 के नए नोटों की और 100 के नोटों की गड्डियां मिली हैं। आयकर विभाग ने खुफिया जानकारी के आधार पर पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पर्वती शाखा में छापा मारा तो यहां लॉकर में करोड़ों रुपए के नोट भरे मिले, जिसमें 2000 के नए नोट भी थे। अब तक आयकर विभाग को 5 लॉकर से 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इससे पहले पुणे में ही एक कार से 68 लाख रुपए बरामद किए गए थे, जिसमें से 62 लाख 2000 की नई करेंसी में थे। कार में 5 लोग सवार थे जो मुंबई से पुणे जा रहे थे। इन लोगों से इस रकम के बारे में पूछताछ की जा रही है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।